तो हाँ जी, क्या हालचाल? तो भाई नथिंग रेडी है अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए। नाम है नथिंग फोन 2A प्लस। अब ये स्मार्टफोन बहुत जल्दी अपने आप भारत में लॉन्च होने वाला बताया गया कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। इसी महीने 31 जुलाई को अपने आप भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट पर होगा, जिसकी लैंडिंग पेज भी आ चुकी है। तो क्या खास होने वाला है, कितना अपग्रेड होगा नथिंग फोन 2A से, क्या इसके लिए वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताने वाले हैं। और जो लीक सामने आया है, प्राइस क्या होगी, सब कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन बता दूं, इसकी डिजाइन फिलहाल अभी सामने नहीं आई है, जैसे नथिंग हर टाइम हमेशा ऐसे ही करती है। नथिंग मतलब जो है ना, अपना डिजाइन रिवील नहीं करती है, ठीक लॉन्च से एक दिन पहले ही बताती है। तो खैर, अभी डिजाइन सामने तो नहीं आई है, लेकिन जो सोर्स बता रही है अपने हमारे तरफ, जो हमें सोर्स से पता चला है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी जो आप आगे देखेंगे ना, इमेज और वीडियोज देखेंगे, वो नथिंग फोन 2A का ही होने वाला है, और कुछ नथिंग फोन 2 का देखेंगे आप। तो कुछ हूबहू ऐसा ही होने वाला बताया डिजाइन, लेकिन कुछ अपग्रेड भी देखने को मिलने वाला है। क्या अपग्रेड होगा सब कुछ बताएंगे, और कैसे पैसे कमाने वाले इस वीडियो के थ्रू वो भी बताने वाला हूं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर, मैं हूं आपका दोस्त अनुप, आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक्नो अनुप, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूं। तो चलिए देखते हैं सब नथिंग फोन 2A प्लस में कितना अपग्रेड होने वाला है, क्या प्राइस होगी, दिखने में कैसा, फिलहाल तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन क्या स्पेक्स होगी सब शेयर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। दोस्तों बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो इस बार बताया जाए मतलब थोड़ा सा अपग्रेड मिलेगा। ग्लास बैक के साथ प्लास्टिक फ्रेम ग्लास फ्रंट देखने को मिलने वाली है, लेकिन फ्रंट में किस की प्रोटेक्शन है, बताया जा रहा है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन फोन की जो थिकनेस बताई जा रही है और वेट बताई जा रही है, समवेयर अराउंड का जो वेट होगा वो बताया जा रहा है कि 191 ग्राम की वेट होगी, थिकनेस 8.1 mm होगा, साथ ही आपको IP54 की रेटिंग देखने को मिलने वाली है। तो धूल और पानी दोनों से ही फोन को प्रोटेक्ट करने वाली है, वेट भी हल्की है, ठीक है, कोई खराब नहीं है। लेकिन भाई साहब दिखने में कैसा होने वाला है, तो फिलहाल अभी डिजाइन सामने नहीं आई है, तो जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कुछ इस तरह का होने वाला है। किस तरह का, चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं डिजाइन की। तो सो डिजाइन की बात करें तो बताया जा रहा है कि डुअल कैमरा की ही हाउसिंग मिलेगी, जो कि आपको देखने को मिलती है। अब सेंटर में होगा कि टॉप लेफ्ट में होगा ये पता नहीं है, लेकिन इसमें ग्लिप लाइट आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि मिसिंग था 2A से, वो चीज देखने को यहां मिलने वाली है, अपग्रेड किया गया है। और नीचे आपको वहीं पर नथिंग का भी लोगो देखने को मिल जाएगा। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, लेकिन बॉडी रेशियो बताई जा रही है 89% या 90% के आस होने वाली, यानी वेजर चीन ठीक ठाक पतली सी होगी, जो कि बराबर होती है, चीन तो देती ही है, नथिंग वाले देते हैं, जो कि थोड़ा सा एक हाइप क्रिएट कर देते हैं, मतलब ऐसा देखने में लगेगा कि चीन और वेजर्स है ही नहीं, लेकिन होते हैं, पतला सा होता है, देखने को मिल जाता है। लेकिन कलर्स की बात करें, दो ही कलर्स होंगे, ग्रे और एक होगा व्हाइट कलर, दो ही कलर्स में है, देखने में अच्छा होने वाला इस बार बताया जा रहा है। लेकिन भाई साहब कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो डिस्प्ले कैसी होगी, चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। तो दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो यहां बताया जा रहा है कि लार्ज डिस्प्ले देखने को मिलेगा, वन हैंड यूज करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मिलेगा 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस 10 बिट का ओलेड पैनल, 24:12x1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20 का एस्पेक्ट रेशियो, 394 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 2000 निट्स की पिक ब्राइटनेस, 120 Hz की रिफ्रेश रेट, 240 Hz की टच सैम्पलिंग रेट, HDR10+ वाइड वाइन L1। तो देखी जाए तकरीबन सेम है, जो नथिंग फोन 2A में डिस्प्ले था वही डिस्प्ले देखने को मिलेगा, इसमें कुछ ज्यादा अपग्रेड नहीं है, 10 बिट्स के बस 1.5 के दे देता तो मजा आ जाता। और डिस्प्ले क्वालिटी क्या होगी ये भी कोई अपडेट नहीं है, पता चलेगा, मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा जब इसके कंफर्म स्पेक्स होगी, तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। लेकिन देखा जाए 10 बिट्स का कलर्स आपको अच्छे मिलेंगे, HDR10+ वाइड बैंड L1 सपोर्ट, यानी कि Amazon और YouTube पे कंटेंट HDR रखकर देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स सपोर्ट नहीं करेगी, रिफ्रेश रेट टच स्क्रीन कॉम्बिनेशन शानदार, सोशल मीडिया पेज को गेमिंग करेंगे स्मूथली नजर आने वाली है, ब्राइटनेस अच्छी है, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डिस्प्ले क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं आएगी। लेकिन अभी गेमिंग की बात हुई है तो दिमाग में सवाल चल रहा है भाई साहब, दिमाग चाहने के लिए इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर कौन सा होने वाला है, चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो बताया जा रहा है कि सोर्स तरफ से बताया जा रहा है कि चांसेस है कि इस स्मार्टफोन को शक्ति देगी मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 7350 प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर के फैब से बनाया गया, एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी रहती है, हीटिंग उसको काफी कम देखने को मिलता है, और प्रोसेसर अच्छा है, जो प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया जा रहा है प्रोसेसर अच्छा है, काफी अच्छा है, कोई खराब नहीं है, जबरदस्त प्रोसेसर होने वाला है। नथिंग की तरफ से थर्मल मैनेजमेंट का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा, नहीं हीरो चांसेस बहुत ही कम होने वाले हैं, कितना पावरफुल है चलिए नजर डालते हैं। इसके रॉसर यहाँ मिलता है 2 Cortex A715 जो कि 3 GHz क्लॉक किया गया, वहीं 6 Cortex A510 जो कि 2 GHz क्लॉक किया, परफॉर्मेंस शानदार है,
कोई दिक्कत नहीं, परफॉर्मेंस कोई शिकायत नहीं आएगी, आप आराम से 60-40 एफपीएस तक गेमिंग कर सकते हैं। यहाँ मिलता है आर माली G610MC4GB साथ ही LPDDR5 रैम, UFS 3.1 वाला स्टोरेज देखने को मिल सकती है बताया गया है। मैंने कि आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर है, कोई जबरदस्ती में दबा के गेमिंग मत करना, नहीं हाँ गेमिंग कर सकते हैं। 13.5G बैंड के साथ हम लेगा, लेकिन ऑनरोस क्या होगी ये कुछ पता नहीं है, लेकिन बताया जाए कि 8 लाख से ऊपर देखने को मिल सकती है। खैर जब आएगा पता चल जाएगा, तो मतलब परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाती है, डिसेंट मिल जाती है, कोई ख़राब नहीं है। अब सवाल है कि कैमरा कैसा होगा, इमेज रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, इमेज कैप्चर, सेल्फी लेंगे, कैमरा क्वालिटी कैसे होगी, चलिए बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों कैमरा की बात करें तो कैमरा में आपको मेरा स्लाइटली अपग्रेड देखने को मिलने वाला है। दोनों ही कैमरा मिलेंगे, दोनों ही काम के, दोनों ही 50 मेगापिक्सल के। पहला है 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ, चांसेस है कि सोनी लाइट या 600 सेंसर देखने को मिल सकती है। वहीं 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो कि सैमसंग का JN1 सेंसर देखने को मिल सकती है, जहाँ से 4K 30 FPS 1080p रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऑप्शंस अच्छे, मतलब क्वालिटी अच्छी होने वाली है, सेंसर भी अच्छे हैं। लाइट या जो सेंसर सोनी का है वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगे भी आते हैं IMX से, थोड़ा सा अपग्रेड है। AI फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला, देख लो वैसे नथिंग वाले AI चिल्लाएं जरूर, और यहाँ AI फीचर देखने को जरूर मिलेगा यहाँ पर। लेकिन सवाल अगर खूबसूरत चेहरे को रीड शॉट नहीं है, कितना सेल्फी कैमरा मिलेगा, मैंने कितना मेगापिक्सल का, तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ से 1080p 30 रिकॉर्ड कर सकते हैं। सैमसंग का शायद होने वाला है यहाँ पर भी सेंसर, अभी कन्फर्म नहीं है, सोर्स बता रहे हैं, मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, लमसम देना यही होने वाला है। तो कैमरा क्वालिटी को यहाँ पर अच्छी मिलने वाली, कोई खराब नहीं होगी। लेकिन सवाल है कि इस स्मार्टफोन को जान फूकने के लिए कितना इसकी बैटरी होगी, चलिए बात करते हैं बैटरी की। तो दोस्तों बैटरी की बात करें तो यहाँ आपको मिलेगा इस स्मार्ट जान फूकने के लिए टोटल 5000mAh की बैटरी, 45W की चार्जिंग सपोर्ट, साथ में को वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल सकती है। ये अपडेट आया है, बट चार्जर बॉक्स पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बैकअप शानदार निकाल के देगा, डिपेंड करता है आपको ऊपर कैसे यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसके सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की। नो डाउट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस लॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा सेंसर में, सारे सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सी फ्लानर, कांचेटर, पुटर, NFC सब मिलेंगे, USB टाइप सी बोलेगा, डुअल स्टोरेज स्पीकर मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना कोई 3.5mm ऑडियो जैक, ना ही कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात करें तो एकदम से लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के ऊपर आउट ऑफ डिवोर्स नथिंग OS 2.6 देखने को मिलेगा, नीट एंड क्लीन है, ब्रॉडबैंड नहीं होते हैं, अच्छा आपको एक्सपीरियंस देगा। 3 साल एंड्रॉइड, 4 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ देखने को मिल सकती है। लेकिन अब बात करें इसके वेरिएंट्स की। दोस्तों वेरिएंट्स की बात करें तो वेरिएंट्स अच्छे बता दे रहे, इसकी जो बेस वेरिएंट वो होगी 8+128, 8+256, 12+256 ऑप्शंस अच्छे हैं, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट वैसा सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सवाल है अपने आप भारत में लॉन्च होगा तो क्या प्राइस होगी और कैसे पैसे कमाएंगे इस वीडियो के थ्रू, चलिए बताएंगे। जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, केवल 200 लाइक का टारगेट है, पहुंचा दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली साथ, चैनल परिवार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर चलिए बात करते हैं प्राइस की। दोस्तों प्राइस की बात करें, देखिए प्राइस जो बताया जा रही है, प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन अपने भारत में 25,000 के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि नथिंग फोन 2A का प्राइस ड्रॉप हो चुकी है। तो अब बताया जाए कि ये 25,000 के अंदर ये लॉन्च किया जाएगा, तो इसके लिए वेट किया जा सकता है, अच्छा होगा, देखते कितना, मतलब इसकी जो स्पेक्स अभी लीक हुई है सामने, ये सोच मतलब मैं, मुझे लगा कि भाई अपने व्यूवर या जो अपना फैमिली है उनके साथ शेयर करना चाहिए, तो मुझे तो अच्छा लगा, इसके लिए वेट किया जा सकता है, देखते कितना खास होगा। बाकी आप बताइए आपके हिसाब से इसकी प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए, कितने एक्साइटेड हैं नथिंग फोन 2A प्लस को लेकर, जरूर बताए कमेंट करके, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करेंगे तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा और यही से मिलता है मौका पैसा कमाने की। जितना कमेंट करेंगे मंडे टू सैटरडे के वीडियो में, जितना कमेंट करेंगे संडे वाले वीडियो में नाम अनाउंस किया जाता है किसी भी एक विनर का, 2 विनर भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना कमेंट करेंगे, जितना प्यार बरसाएंगे और क्या प्राइस बनी होगी, कैसे क्लेम करना है, सब कुछ बताया जाता है। तो जल्दी से कमेंट करिए, अगला नंबर आपका तो नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ, जय हिंद जय भारत। Thank you.